बहुत खूबसूरत सीलिंग्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? आओ बैठो मेरे पास। इतनी सारी चीजें ले आई आप, क्या जरूरत थी इतना तकल्लुफ करने की? अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। फारिस मेरा इकलौता बेटा है और इसकी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या क्या करूँ और क्या क्या नहीं करूँ। जैसी मर्जी आपकी, बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों के नसीबों में खुशियाँ लिखते हैं। आमीन। वैसे रिवायती बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन माशाल्लाह मेरा बेटा परफेक्ट है। इतने रिश्ते आए इसके लिए, इतने लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन बस मेरा दिल ही नहीं माना। अम्मी रहने देना, ये मौका इन बातों का। वैसे भी तो हमारी शादी होने जा रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, वैसे भी ये तो तकदीर के फैसले होते हैं ना। तुम दोनों का जोड़ नसीब में लिखा हुआ था, सो रिश्ता तय हो गया। हाँ मैं तो वैसी बात कर रही थी, अगर आपको बुरा लगा, I'm really sorry, I didn't mean it that way. अरे नहीं नहीं, सॉरी क्यों कह रही है? इसमें माजरत करने की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो बल्कि अच्छा लग रहा है कि आप हर बात साफ साफ तरीके से मुझसे कह रही हैं। सच बात तो ये है कि मेरे बेटे की खुशी मुझे सबसे अजीज है। ओ सनारा बेटा, चाय ले आओ ना। अरे प्लीज नहीं, तकल्लुफ ना। मैं लेके आऊं? अरे चाय में क्या तकल्लुफ, तकल्लुफ तो आपने किया है देखें। प्लीज वाकई। और फारस बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? उफ, बस थोड़ा सा और फोकस हो जाए तो क्या बात है। मेरे बाद सब कुछ तुम ही ने तो संभालना है। जी।